सहारनपुर में थाना नकुड़ पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब सौरभ हत्याकांड का खुलासा कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से पुलिस ने तीन तमंचे और हत्या में प्रयुक्त एक बाइक बरामद की है। जबकि हत्याकांड का मुख्य आरोपी बीएसएफ का जवान सोहन वीर अभी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है, जिसने अपनी पत्नी के आशिक सौरभ को साथियों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के बाद से असम में तैनात बीएसएफ का जवान फरार चल रहा है, जिसको दबोचने के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। बता दें कि 14 मई को दिन दहाड़े थाना नकुड़ क्षेत्र के सरसावा रोड स्थित रिसोर्ट के सामने सौरभ को गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी, जिसका बीएसएफ के जवान सोहनवीर की पत्नी से प्रेम चल रहा था। बहरहाल पुलिस हत्या में पत्नी की भूमिका की भी जांच कर रही है। देखिए, 14 मई 2017 को दोपहर में एक सौरभ पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम सालापुर थाना नकुड़ की रिसोर्ट के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त क्रम में मृतक द्वारा घायलावस्था में एक प्रवीण नाम के व्यक्ति का नाम लिया गया था और ये बताया गया था कि उसके इशारे पर उसे मारा गया है। इस क्रम में पुलिस ने उस प्रवीण को खोज निकाला और प्रवीण से गहराई से पूछताछ करने पर हत्याक्रम के सुराग धीरे धीरे खुलते गए। उसी कड़ी में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त सौरभ की हत्या घटना के दिन चार आरोपियों अंकुश, अंकित और प्रवीण और साथ में सोहनवीर जो कि बीएसएफ का जवान है, इन लोगों द्वारा की गई थी, जिनमें से प्रवीण द्वारा आपराधिक षड्यंत्र की भूमिका निभाई गई थी और मौके से वह स्वयं दूर था। आरोपियों की गिरफ्तारी करके उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो उस क्रम में आरोपियों ने स्वीकार किया कि सोहनवीर जो बीएसएफ में असम में कार्यरत है और उसकी पत्नी से मृतक प्रवीण के अवैध संबंध थे। इन संबंधों को लेकर के कई बार सोहनवीर की अपनी पत्नी से अनबन भी था और जब जब वो मायके पर जाती थी तो उसका शक और बढ़ता था। इसी क्रम में पहले भी इस प्रकार की शिकायतें आई थी कि इन बातों को लेकर के दोनों पक्षों में पहले पंचायतें भी हुई थी, क्योंकि दोनों मृतक और आरोपी सोहनवीर की पत्नी पास पड़ोस के गांव के संबंध में थे। इसी कड़ी में जब घटना के पहले सोहनवीर ने खुलासा किया कि बार बार उसके समझाने के बावजूद जब उन दोनों के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया तो उसने मृतक को हमेशा के लिए हटाने के लिए निर्णय लिया और उसी कड़ी में उसने अपने दो रिश्तेदारों जिनके नाम क्रमशः अंकुश और अंकित हैं, इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों के साथ स्वयं मौके पर जाकर वहां पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटनाक्रम का खुलासा करने वाली टीम को मेरे द्वारा 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। आरोपी सोहनवीर जो बीएसएफ का जवान है वो अभी भी फरार है। अभी यहाँ से वारंट भी तामील करा करके ऐसा बताया गया है कि वो जाकर अपनी बटालियन में दाखिल हो गया है। वारंट भी तामील करा करके टीम असम भेजी जाएगी और वहाँ से उसकी अरेस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी।